सफेद रंग का दिखने वाला ये जहाज दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति का है, जिसे एयरफोर्स वन के नाम से जाना जाता है। इसे हवा में उड़ता हुआ व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। असल में ये दिखने में ये प्लेन दूसरे एयरप्लेन्स की तरह ही दिखता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे एडवांस और हाई सिक्योरिटी एरोप्लेन है। आखिर क्या खास है इस प्लेन में और क्यों इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन कहा जाता है, आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे। 18 मई 1954 के दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति का 4 इंजन वाला कोलंबाइन 2 प्लेन अमेरिकी स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ जा रहा था, जिसका कॉल साइन एयरफोर्स 8610 था। इस प्लेन में टाइट सिक्योरिटी के साथ उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड एलकेई आइजनहावर और उनकी पूरी टीम तैनात थी। यूएस एयरफोर्स का काम था कि वो उस एयरक्राफ्ट को पूरी सेफ्टी के साथ लैंड करवाएं। जब इस प्लेन को लैंड करवाने के लिए तैयारी की जा रही थी, तभी एक प्रॉब्लम आ गई। हुआ ये कि एक नए प्लेन ने उस रडार में एंट्री मारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उस प्लेन का कॉल साइन भी एयरफोर्स 8610 था और प्लेन मॉडल हूबहू वैसा ही था जैसा यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन का था। जैसे तैसे प्लेन लैंड तो हो गया, लेकिन ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में एक बड़ा लूप होल था। तभी से प्रेसिडेंट अब जिस भी प्लेन में सवारी करते थे तो उस प्लेन का नाम ऑटोमेटिकली एयरफोर्स वन पर जाता था। ये एक रेडियो कॉल सिग्नल का कोड नेम था। ये हर उस प्लेन में होता है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रेवल करेंगे, ताकि इसके रेडियो सिग्नल नाम से ही ट्रैफिक कंट्रोलर को पता चल जाए कि इसमें प्रेसिडेंट है। इस प्लेन में सफर करने वाले लोग 4000 स्क्वायर फीट का फ्लोर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में मिलती हैं। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर बड़ा ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, मेन केबिन में 20 बिजनेस क्लास सीटों के साथ 2 गैलरी, 2 लेबोरेटरीज और स्टोरेज स्पेस भी बना हुआ है। तो इन खासियत से आप इस प्लेन को हवा में उड़ता हुआ महल भी कह सकते हैं। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर इसका फ्यूल खत्म हो जाए तो हवा में ही फ्यूल रिफिल हो जाता है। बड़ी से बड़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल और न्यूक्लियर अटैक भी इस प्लेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कभी इस पर हमला हो तो भी इस जहाज पर खरोंच तक नहीं आएगी। ये प्लेन एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ एंटी न्यूक्लियर और एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस है। और शायद आपके कानों से धुआं निकल जाए, क्योंकि इस प्लेन को 1 घंटे इस्तेमाल करने का खर्च 17 करोड़ रुपए है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पर पैसेंजर प्लेन में उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां और लगेज उतारने का काम कोई थर्ड पार्टी कंपनी करती है, लेकिन इस जहाज में ये सभी काम ऑटोमेटिक तरीके से होते हैं। इसके साथ ये टेक्नोलॉजी प्लेन में बाकी स्टाफ के बैग्स को भी स्कैन करता है। इस प्लेन में इतनी ताकत है कि कितने भी बड़े वॉर के टाइम ये प्लेन दुश्मन के खेमे में बिंदास एंट्री ले सकता है। इतना ही नहीं, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जैमर सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे ये हजारों मील दूर से भी दुश्मन के रडार को जाम करने की काबिलियत रखता है। सफर के दौरान अगर कभी प्रेसिडेंट की तबीयत बिगड़ जाए तो ऐसे में प्लेन में ही हॉस्पिटल की तरह सारे इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ की फार्मेसी में सभी तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिससे मेडिकल इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट की तबीयत को कोई नुकसान न हो। सिर दर्द से लेकर ऑपरेशन तक का सारा इंतजाम इस प्लेन में है। यहाँ बाकी प्लेन्स की तरह खाने का मेन्यू नहीं है, बल्कि खास तौर पर शेफ रखे हुए हैं, लेकिन इन्हें भी सिक्योरिटी की वजह से बाहर से सामान लाना मना है। स्पेशल एयरक्राफ्ट के साथ एक और प्लेन चलता है जो बिल्कुल इसी की कॉपी होता है। हवाई सफर के दौरान अगर कभी धरती पर न्यूक्लियर अटैक या किसी और वजह से सारे कनेक्शन टूट जाएं, तो इस प्लेन में बैठी स्पेशल इंटेलिजेंस फोर्स से आसमान में रहकर भी दुनिया के किसी भी कोने से कांटेक्ट किया जा सकता है और इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। आपको अमेरिकी राष्ट्रपति का ये शानदार हवाई जहाज कैसा लगा? क्या आपने कभी ऐसे किसी एरोप्लेन के बारे में सुना है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।